आप लोगों को हम कुछ दिखाने जा रहे हैं। हमारा गांव बड़का डकैत है, बड़का डकैत में बहुत सारा चीज है जो दिखाने लायक है। ये देखिए फोर लाइन से उतरिएगा, ये देखिए ये जॉब होने वाला है, आइए दिखा रहे हैं आपको। चरखी लगा हुआ है, कितना सुंदर चरखी है, इसमें एगो दुगो अभी गोलका लगाना बाकी है, बाकी सब लगा हुआ है चरखी। 27 तारीख को जल भरी है, ठीक है। देखिए ये भी देखिए छोटा बच्चों के लिए है, छोटा छोटा बच्चों के लिए है, 27 तारीख को जल भरी है। तो आप लोगों को निमंत्रण है, हमारे गांव में सालों भर झूला लगा रहता है, सालों भर लगा रहता है जी, बता रहे हैं। कहते हैं कि डेढ़ महीना से झूला लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये रेल है, रेल वाला जो इस पे छोटा छोटा बच्चा है, क्या चल रहा है जी, क्या चल रहा है, काम चल रहा है चोटी के लिए। इसको डिस्को डांस बोलते हैं, हम ब्रेक डांस बोलते हैं, हमको पता नहीं था, इसको ब्रेक डांस बोलते हैं। भैया काम करते हैं, भैया ये गढ़ा खोल रहे हैं, तो इंट्री के लिए तो बनाइए भी है, तो दोबारा कहेंगे खोल रहे हैं, दबाव से बांधने के लिए खोल रहे हैं, ठीक है। ब्रेक डांस है, ये देखिए ये क्या है, ये नाव वाला झूला है, ये नाव वाला झूला है, इसपे इसपे जो बैठेगा ये नाव इधर से उधर, उधर से इधर चलती रहेगी। और खूबसूरत, हम लोग पहले यहीं पे क्रिकेट खेला करते थे ना, इस जगह साइड में फोर लाइन है। देखिए ट्रिपल का फैन, बहुत लोग ट्रिपल का नाम नहीं जानते होंगे। भाई जो है ये जो बात बैरिकेड लगाया गया है यहाँ पे, चार टोला का दुकान हो रहा है, किस चीज का दुकान कर रहे हैं जी? नमस्कार नमस्कार, चार जिलेबी टोला, कहाँ से आप लोग? हम लोग डिहरी से। अच्छा डिहरी से, ये अभी जो आप लोग खाने के लिए बना रहे हैं? हाँ, हाँ, अभी तो मतलब सताई से जब चालू है यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है, ये देखिए मीना बाजार के लिए ये बना हुआ है, मीना बाजार के लिए ये स्टोर लग रहा है, पता नहीं काहे लिए बना है, लेकिन इधर मीना बाजार रहेगा, यहाँ से लंबा तौर पे मीना बाजार जाएगा और लास्ट तक जाएगा, ठीक है, लास्ट तक जाएगा मीना बाजार। और इसमें जितना भी शॉप है, आइए आपको जगशाला दिखा रहे हैं, ये कितना भव्य यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। ये मिर्जापुर के जो कलाकार हैं, जो मिस्त्री हैं, वो बना रहे हैं। और देखिए इसकी सुंदरता, अभी अभी इसको मोडिफाई किया जाएगा, अभी कार्यक्रम इसका अभी चल रहा है, अभी निर्माण प्रोसेस में है इसका। ये कहाँ से आप लोग? मिर्जापुर से, मुजफ्फरपुर से हैं ये लोग। कितने दिनों में ये इसका निर्माण हो जाएगा भैया? पाँच दिन और लगेगा, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, 5 दिन और लगेगा और इसके बाद से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसकी सुंदरता देखने में बनेगी। आइए ये देखिए इसका ही पार्ट है, ये साइड से लगाया जाएगा और ये आगे आइए। ये महात्मा जी की कुटिया है, श्री श्री विजय प्रधान महात्मा जी, अयोध्या से बिलोंग करते हैं, इसी में रहते हैं और 27 से जल भरी है। बोलिए महाराज जी, यही महाराज जी हैं और इन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ का टोटल कार्यक्रम हो रहा है। जय श्री राम। यज्ञशाला का प्रोसेस चल रहा है अभी, बात करेंगे। ये क्या बना रहे हैं? साइड में लगाने के लिए बना रहे हैं। हाँ ठीक है, और ये बाता सब उसी में लगेगा? सब उसी में लगेगा। अब तक काम हो जाएगा जी? काम 26 तारीख तक क्लियर कर देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। कहाँ से हम लोग? मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया। ये जो अभी जो हम जिस परिसर में आए हैं, ये भगवान श्री राम का परिसर है और ये जो इनार है 1856 का निर्माण किया गया है। आइए इसकी भव्यता दिखा रहे हैं, अभी इसको अभी इसको मॉडिफाई करवाया गया है और ये अभी बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत गहरा है, इसकी गहराई बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे इसका और दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे अंकुर टूटा है, पहले हुआ था लेकिन बंदर यहाँ पे बहुत रहते थे और यहाँ पे भगवान श्री राम का दरबार होगा, वहाँ पे हनुमान जी तो पक्का रहेंगे, ठीक है। आइए अब और यहाँ पे देखिए, बहुत प्यारी सी बाटी है, चार गायें रखी गई है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और बाटी भी नहीं है ये, और सब देसी वाली गायें हैं। ये तेजू भाई गुरु इसका भोजन के रखे हुए हैं, ये यही काम करते हैं। बोलिए बारे में, गौ सेवा के बारे में कुछ बोलिए। गौ सेवा के बारे में, गौ माता के बार बार प्रणाम बा। हमारे परिचय छतर तूफान, गायक छतर तूफान, शंकर यादव, ग्राम पोस्ट बड़का ढकाई, सिलेवाड़, जिला बक्सर, बिहार, पिन कोड 81-2137, फ्री कॉल सेवा आपके साथ। देखिए आइए हम आपको दिखला रहे हैं, जैसा कि बोले कि श्री राम, भगवान श्री राम का ये परिसर है, तो यहाँ पे इसका नाम भी हम बहुत पहले रखा गया था, श्री राम जानकी मठ, आप देख ही रहे हैं। और ये इसका एंट्री गेट है, जय श्री राम। आइए अंदर आइए, ये भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन कर लीजिए आप लोग, और इसकी भव्यता तो आप लोग जानते ही हैं।
अब आपको बताना चाहेंगे ये हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटो क्या है। मेन मोटो ये है कि 27 तारीख को हमारे गांव बड़का डगाइस में तो यज्ञ का कलश यात्रा होगा और यज्ञ ये जो है 9 दिनों तक चलेगा और उसके बाद बताना चाह रहे हैं कि 4 तारीख को मारुति किनकर जी भी आने वाले हैं, महान संत जो कि प्रवचन करता है और तो भारी से भारी मात्रा में आप लोग आइए। जय श्री राम।